नमस्कार, मैं जया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम कसौटी पर चार साल में, जहां सरकार कर रही है अनेकों दावे। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं को हकीकत की कसौटी पर परखते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये जानना कि पिछले चार सालों में कैसी रही प्रदेश स्तर पर तहसील में विकास की गति। आज हम कसौटी पर लेंगे जनपद झांसी की तहसील टहरौली को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आइए देखते हैं इस तहसील की एक छोटी सी झलक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका परिचय कराते हैं जनपद झांसी की तहसील टहरौली के उन मुख्य अधिकारियों से जिनके हाथ में है विकास और सुरक्षा की बागडोर। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उमेश नारायण पांडे जी से, खंड विकास अधिकारी कृष्ण करुणाकर पांडे जी से, और हमारे साथ हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिनेश कुमार सिंह जी। और सबसे पहले रुख करते हैं जिले के एडीएम सर की तरफ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा चल रहा है यहाँ विकास के कार्यों की गति और आप क्या कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों तक सरकार की इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे वो शिक्षा का कन्या विद्याधन हो, चाहे कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं, उनका राजस्व विभाग समन्वय करता है। समन्वय करते हुए जो ये प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं इनकी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर इसको लक्ष्य पूरा किया जा सके, उसको जमीनी हकीकत तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनसे संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हमारे लाभार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अपने लाभ को, अपने उनका क्या अनुभव रहा, क्या लाभ प्राप्त हुआ, इसको शेयर करेंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा अग्निहोत्री है और मैं लैपटॉप वितरण योजना की लाभार्थी हूँ। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और उनसे आशा करती हूँ कि वे योजनाएँ ऐसी ही संचालित करते रहें। ये लैपटॉप ना सिर्फ एक लैपटॉप है बल्कि इसके ज़रिए उन्होंने हम जैसे छात्र और छात्राओं को एक सौगात दी है आगे पढ़ने की। मैं श्रेया चौरसिया कन्या विद्याधन योजना का कुल प्राप्त करने वाली एक लाभार्थी छात्रा हूँ। अतः मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझ जैसी कई छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। कई छात्राएं ऐसी होती थी धन के अभाव के कारण वे इंटर के बाद अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नहीं कर पाती थीं, परंतु आज उनका अध्ययन सुचारू रूप से हो रहा है। आज हमारे मीडिया साथी, हमारी लोकप्रिय समाजवादी सरकार ने पिछले चार साल में क्या विशेष रूप से विकास किया है इसको जानना चाहिए। मैं टहरौली तहसील से हूँ। टहरौली तहसील की जनसंख्या 1,78,608 है। हमारे मीडिया के साथी ये जानना चाहते हैं कि इन 1,78,608 लोगों के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार ने पीछे के चार सालों में क्या विशेष काम किया। तो अगर एक पंक्ति में बोलना हो तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने ना केवल विकास किया है बल्कि समग्र विकास किया। विस्तार से यूँ समझिए, हमने जाति धर्म लिंग इनसे ऊपर उठ करके सबके विकास को करने का काम किया। हमारी सरकार ने पीछे चल रही जो योजनाएं थीं उनमें जो त्रुटियां थीं विसंगतियां थीं उनको हटाने की कोशिश की है, उन योजनाओं को संशोधित और परिवर्धित करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जैसे कहीं नदी का पानी रुक गया हो, आगे ही ना बढ़ रहा हो, इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विकास अवरुद्ध था, उस जगह पे विकास करने के लिए नई योजनाएं लागू, सबके विकास की कोशिश, पुरानी योजनाओं की विसंगतियों को दूर करने की कोशिश और नए क्षेत्रों में बदलते हुए परिवेश में नए समाज के लिए नई योजनाओं
ये हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की पिछले 4 साल में विशेष चेष्टा रही है और इसको हम समग्र विकास का नाम देते हैं। और जानना चाहें आप तो देखिए हमने कैसे विकास किया। हमारे विकास शब्द में कोई एक विभाग नहीं है, विकास विभाग एक समन्वयक है, मुखिया के रूप में काम करता है, उसके साथ कई 36 विभाग प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास कई हैं। सबके बारे में अगर बताते हुए आपको कहूं और संक्षेप में कहना हो, पहले अस्पताल पहले भी थे और मरीज भी पहले थे, लेकिन अस्पताल अपनी जगह थे, मरीज अपनी जगह, मरीज अस्पताल तक पहुंच जाए प्रायः नहीं हो पाता था, परेशानी। हमारी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल में पहली बार ये प्रयास किया कि 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। अब हमारे ऐसे लोग जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, मरीज थे, अस्पताल तक निशुल्क पहुंच जाए। बेहिचक आप उत्तर प्रदेश के किसी जगह खड़े हो जाएं और 108 के बारे में पूछें, हर व्यक्ति इसकी तारीफ करता हुआ मिलेगा। ये हमारी उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की पिछले 4 साल में एक नई पहल है। देखिए पुरानी योजनाओं में कैसे हमारी सरकार ने विसंगतियों को दूर किया। गांव में कहीं चले जाइए, किसी जगह आप चले जाएंगे गांव में तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की बात आती है। बूढ़े लोग मिल जाएंगे, अपंग मिल जाएंगे, दिव्यांग मिल जाएंगे, अशक्त लोग मिल जाएंगे, उनको पेंशन की ज़रूरत होगी। आप जाके पूछिए तो कुछ लोगों को मिल रही होगी, कुछ को नहीं मिल रही होगी। आश्चर्य होगा कि समाज में क्यों ऐसा गड़बड़ है भाई। सरकार जब वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन संचालित कर रही है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? आप अगर जमीन पर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा, उनको बताया जाएगा कि हम पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, हमारी पात्रता नहीं है, इस नाते हम छूट गए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्ष में ये कोशिश की कि ऐसे पात्र लोग जो किसी नाते, किसी कारणवश, चाहे वो अधिकारियों की तरफ से त्रुटि हो, आम जनता की पहल ना कर पाने नाते या नियमों के नाते हो, तो उन सब को दूर करते हुए ऐसे लोगों को भी मिल सके जो पात्र हैं लेकिन किसी कारण नहीं मिल पाया है। एक नई योजना शुरुआत की, पुरानी योजनाओं का संशोधन करते हुए, जिसे नाम दिया गया है समाजवादी पेंशन योजना। हमारे जनपद झांसी में 58,006 लोग इसमें लाभान्वित किए जा चुके हैं। और हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने तो ये भी करा है कि बच्चा गर्भ में आए और स्वस्थ हो, और साथ ही साथ जब वो अपनी उम्र पूरी करके अपनी ये लीला समाप्त करे तो उसको अंत्येष्टि के लिए भी जगह मिल सके, इसके लिए भी योजना लागू की है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं हम छूटे हैं। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम भी आदमी हैं, भगवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द में हमने समग्र विकास की चेष्टा की है। पीछे के 4 साल में हमारी समाजवादी सरकार ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा कि अगर मोहम्मद कुएं तक नहीं जा सकता तो कुएं को मोहम्मद के पास पहुंचना चाहिए। अगर विकास समाज के सबसे छोटे व्यक्ति के पास, सबसे नीचे की पावदान के पास नहीं जा सकता तो उस योजना को उसके पास पहुंचाया जाए, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हमारे साथ और लाभार्थी भी हैं, आप उनसे पूछिए और फील्ड में जाके देखिए, आपको मालूम चलेगा। धन्यवाद। मैं कासिम खान घरैया, तहसील टहरौली से। मेरा चयन अभी हुआ है लोहिया आवास में। मेरा मकान कच्चा था, अब मुझे 3,05,000 रुपये मिलेंगे जिससे मेरा मकान पक्का बन जाएगा, मेरा परिवार खुशहाल रहेगा। हाँ, कल्पना बवेली, ग्राम हाटी से कल्पना बवेली में बोल रही हूँ। 500 रुपया महीना मुझे मिल रहा है और हम यही चाहते हैं, इसमें से हम बच्चों को काम चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम चलाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यही सरकार बनी रहे तो अच्छा है। मेरा नाम अजय कुमार है, तहसील टहरौली से, ग्राम लठेसरा से हूँ। मेरे पिता ख़त्म हो गए थे इसलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने मुझे 5,00,000 रुपए दिए। मैं बहुत गरीब था इसलिए मुझे बहुत राहत मिली 5,00,000 रुपए से। मैं आप सभी को विमेन पावर लाइन 1090 योजना के बारे में आज बताना चाहती हूँ। यह योजना महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब जाकर मैंने 1090 पर शिकायत दर्ज की और उन्होंने 48 घंटे के अंदर मुझे इस परेशानी से दूर कर दिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे ना तो पुलिस स्टेशन भागकर जाना पड़ा, ना ही मुझे कोई परेशानी हुई। इसके लिए मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस योजना का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आइए अब जानते हैं जिले के SP से जिले की सुरक्षा के विषय में। जनपद झांसी में कुल 25 थाने हैं, जिसमें टहरौली क्षेत्र में 4 थाने आते हैं, टहरौली, बरुआ सागर, उल्दन और सकरार। वैसे तो पुलिसिंग एक सतत प्रक्रिया है, लगातार उसमें प्रयोग चलते रहते हैं आवश्यकताओं के अनुरूप, लेकिन गत 4 सालों में निश्चित तौर पर पुलिसिंग में कुछ बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंज में काफ़ी चेंजेज किया गया। हमारे यहाँ CCTNS योजना दूरस्थ के ग्रामीण अंचलों तक हर थाने तक लागू की जा चुकी है, जिससे कि FIR के पंजीकरण में एक पारदर्शिता आई है। लोगों को अपने जो भी शिकायतें होती थी उसके टाइम बाउंड FIR हो रही है 100% और उस पर कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से एक IGRS योजना जो लागू की गई अभी जल्द ही सरकार द्वारा, उससे भी लोगों के जो ग्रीवांसेस थे उस पर तत्काल जांच हो जा रही है और कार्रवाई हो रही है, और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम इतना पारदर्शी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से उसको देख सकता है कि आज के डेट में मेरे द्वारा दिया गया एप्लीकेशन की क्या पोजीशन है और वो जांच किस लेवल पे है और जांच के बाद उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक ईमेल के थ्रू FIR का सिस्टम लाया गया कि आप दूर से कहीं भी EFIR कर सकते हैं उन मामलों में जिसमें एक्यूज अननोन है, पता नहीं है आपको, उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस उसी तरह से होगी सीरियसली जैसे होती थी पहले। इन चीज़ों से जनता को कई मामलों में थाने पे जाने से बचा हुआ। दो हमारे ऐप्स भी लॉन्च किए गए जिससे आप कहीं भी अपने स्टोलन प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी खो गई है उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के ऑफिस में आना और थानों पे आने की प्रक्रियाएं कम हो गई हैं लोगों में। इसके अलावा जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में फास्ट हुआ है। इधर पिछले कुछ दिनों में सब इंस्पेक्टर रैंक पे, कांस्टेबल पे भर्ती हुई है बहुत ज़्यादा, पुलिस बल इससे मजबूत हुआ है। सब इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ने से विवेचकों की संख्या बढ़ी है, इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड निस्तारित हुए हैं, जिससे कि कोर्ट में जाकर के हमने उनको अभियुक्तों के खिलाफ पैरवी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने, कन्विक्शन कराने में सफलता मिली है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमें उपलब्ध हुई हैं उनसे कुछ फर्क ये भी पड़ा है कि हमने कई गैंग को आगे मॉनिटरिंग करने के लिए रजिस्टर्ड किया, उनकी हिस्ट्री सीट खोले, उनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट और NSA गुंडा एक्ट की जो कार्रवाई हुई उनमें कुशल पैरवी भी हो पाई, और काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं। कुछ बड़े अपराधियों को हम लोगों ने गैर जनपदों स्थानांतरण कराने में भी सफलता पाई है। आज के डेट में जनपद के जितने भी बड़े अधिकारी हैं अपराधी हैं वो लगभग जेल में है। दूसरी पार्ट को मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ मामलों में जो हमारे यहाँ फोर्स की भर्ती हुई है ये इससे एक और भी फायदे आए हैं। जो लड़के आए हमारे नए वो खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बहुत अवेयर हैं, जिससे हमें सर्वलांस के क्षेत्र में काम करने में भी मदद मिली, क्योंकि हम निश्चित तौर पर इधर सोशल मीडिया और सोशल हमारे साइट्स पे काफ़ी लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग आए हैं, उस पे भी क्राइम बढ़ा है। वीकर सेक्शंस को जो फ़ायदा दिया जाता था SC ST एक्ट के तहत जो मुकदमे कायम होते थे उस धनराशि में भी काफ़ी वृद्धि की गई है, और हमारे यहाँ कोई प्रकरण ऐसा पेंडिंग नहीं है जिसको कि हमने समाज कल्याण विभाग को भेज करके उनको उपलब्ध नहीं कराया है। तो इस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो पहल हुई है हायर लेवल पे शासन से और हमारे हेड ऑफ द जो ऑफिसर्स है हमारे सीनियर ऑफिसर्स से, उसे पुलिस के सोच में परिवर्तन आया है। जनता आराम से थाने पर जा रही है, कार्रवाई करा रही है, उनकी बातें सुनी जा रही है, और पुलिस ओवरऑल जनमुखी हुई है। जो हमारी नई चीज़ें आई हैं, डिवाइसेस आई हैं, उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, पारदर्शिता भी बढ़ी है। थैंक यू। मैं बरुआ सागर से बिमलेश जी। कुछ दिन पूर्व मेरे यहाँ किसी मंचली ने फौरती का पत्र डाला, जिससे मैं कि बहुत टेंशन में आया। मैंने थाने में जाकर सूचना दी, उन्होंने तुरंत मेरी रिपोर्ट को लिखा, FIR दर्ज की और मेरे को तुरंत उसकी एक कॉपी भी दे दी। मैं इस कार्य से सरकार की सराहना करता हूँ।
मैं रोहिणी राजपाल माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की लैपटॉप वितरण योजना के उद्देश्य के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरे घर में 2 लैपटॉप मुख्यमंत्री जी की सौगात के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरे पड़ोसी वर्ल्ड टॉप लाइब्रेरीज के टॉप बुक्स पढ़ने में व्यतीत करते हैं और इसके द्वारा हम फॉर्म भरते हैं और इस कंपटीशन के विराट युग में ई बुक्स के ज़रिए हम अपनी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी जानकारियों से रूबरू होते हैं। बच्चे का नाम अरुण कुमार है, मेरा नाम अमर सिंह है, ग्राम महेवा खीरे का हूँ। ये बच्चे को आँखों से दिखता नहीं था तो जिस विद्यालय में इसका एडमिशन करवाया, माध्यमिक विद्यालय महेवा खीरा, तो बताया कि इसको मोतियाँ बिंद है अंजू दीदी ने, तो इसका ऑपरेशन उन्हें दिल्ली करवाया, निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। अब हमारे बीच मौजूद हैं जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर विनोद यादव जी। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हमारे खुद ही मुखिया माननीय अखिलेश जी यादव स्वास्थ्य उन खुद ही स्वास्थ्य विभाग संभाले हुए हैं और देखा होगा जब मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर खुश हो जाता है, बड़े प्यार से बात कर लेता है, तो मरीज की आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बिल्कुल खिलखिलाता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ चेहरा देखते हैं, तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके मन में भी उतने ही कॉन्फिडेंस जग जाता है, उतना ही विश्वास जग जाता है कि हमारे जो मुखिया का हमारे ऊपर विश्वास है तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। यही स्वास्थ्य विभाग 5 साल पहले कितना बदनाम हुआ था शायद सभी लोगों को मालूम होगा, पेपर रंग गए थे, कालिख पुती हुई थी हमारे विभाग के ऊपर कि साहब कोई काम नहीं होता है, हमारे डॉक्टर से लेके अधिकारी से लेके मंत्री तक जेल में थे और स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का इतना बदनाम हो गया था कि कई मर्डर उसमें हो चुके थे और कोई काम नहीं हो रहा था। परंतु आज वही डॉक्टर, वही अधिकारी, वही सब मंत्रीगण आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे माननीय जो मुलायम अखिलेश जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विश्वास हम लोग पर जागा है, उन्होंने हम पर पूरा विश्वास किया, डॉक्टरों के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर, एक अच्छी टीम हमको दी है, चाहे वो जिलाधिकारी के रूप में हो, हमारे सीडीओ साहब के रूप में हो, हमारे प्रमुख सचिव साहब अरविंद कुमार जी हों, चाहे आलोक कुमार साहब हमारे एमडी साहब हों, सभी इतना अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इतना अच्छा तेज़ी में काम कर रहे हैं कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि विभाग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जो भारत सरकार के डाटा हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, उसमें यही माना जा रहा है, यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अच्छी कोई सेवा है तो वो स्वास्थ्य सेवा है, नंबर 1 पर चल रही है और इसके प्रमाण आप लोगों पिछली बार 2-3 बार पुरस्कार हम लोग को गवर्नमेंट को मिल चुके हैं। जहाँ तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारे पास 6 CHC होती थी, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे, आज की डेट में हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र 37 हो चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 8 CHC और बनने को तैयार हैं, जिनमें से बामौर हैंडओवर होने की स्थिति में है, बाकी गुड़सरा, गरौठा, समथर, चिरगांव बिल्कुल बनने को तैयार, इस महीने हैंडओवर हो जाएंगी, रानीपुर और बरुआ सागर 4-6 महीने के अंदर हमारी तैयार हो जाएंगी, जो जनता के लिए बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएँ। पहले हमारे हुआ था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM हुआ करता था, जिसमें गांव देहात की लोगों को सुविधा दिया करते थे, लेकिन अब 2 साल से हमारा NHM नाम हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत हम जो हमारे शहर में गरीब लोग रह रहे हैं, मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, दलित बस्तियों में रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके वहाँ हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। पहले केवल झांसी ज़िले में जो रिवैम्पिंग हेल्थ पोस्ट थे वहाँ केवल 6 ही थे, आज की डेट में 13 रिवैम्पिंग हेल्थ पोस्ट काम कर रहे हैं, सभी में 2-2 डॉक्टर मौजूद हैं, फार्मासिस्ट मौजूद है, लैब टेक्नीशियन मौजूद है, हमारे स्टाफ नर्सें हैं, ANM है और पूरी तरह से कार्यरत हैं, जहाँ पर जनता को पूरी तरह से लाभ दिया जा रहा है। ANC का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं, टीकाकरण की सर्विसेज दी जा रही हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए जिला महिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। हमारे रोगी आश्रय स्थल चिरगांव में, बबीना में, मऊरानीपुर में बन के तैयार हो चुके हैं, मौठ में और गुड़सराय में अभी निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही 1 महीने के अंदर हमारे तैयार हो जाएंगे। जनता की मांग पर एक ट्रॉमा सेंटर, जो बहुत ही ज़रूरत थी, उरई से झांसी के बीच में कोई भी हमारा चिकित्सालय ऐसा नहीं जहां हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें, तो मौठ में एक ट्रॉमा सेंटर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनवाने की घोषणा की थी, वो लगभग पूरी होने को है, इस महीने के आखिरी तक हमारा ट्रॉमा सेंटर भी बनकर तैयार हो जाएगा, जो हमारे जो भी लाभार्थी हैं, चोट के ग्रस्त रोग हैं, एक्सीडेंट के रोगी हैं, उनको वहाँ चिकित्सा सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी एक है 108-102, जो सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, जहाँ पहले
कोई भी एक्सीडेंट होता था वहाँ किराए की गाड़ी करके जाते थे, पुलिस विभाग अपनी गाड़ी करके ले जाता था, किराए की गाड़ी कर लेते, कोई किसी से मांग के ले जाता था। आज ये हालत है कि हमारे पास 42 गाड़ियाँ हैं, 18 हमारे पास 108 एम्बुलेंसेज हैं, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में, चाहे वो सांप काटे का हो, हार्ट अटैक का हो, एक्सीडेंट का केस हो और किसी बीमारी का केस हो, उनको लेके तुरंत 20 मिनट के अंदर वहाँ पर अस्पताल के अंदर पहुँचाते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या CSC PSC हो या आप जिला चिकित्सालय मेरा चिकित्सालय हो। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मेरे पिता का नाम श्री अमृतलाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय पंडुआ ब्लॉक गुरसराय। मेरी आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर साहब हमारे विद्यालय में आए, उन्होंने मुझे चेक किया और मुझे चश्मा दिया। इससे मैं किताब नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं किताब ठीक तरह से पढ़ सकता हूँ। और समाज पेंशन मिल रहा है मुझे, और समझ बहुत काम आता है पैसा, अगर नहीं सरकार देगा तो बहुत हम परेशान हो जाएंगे। और लड़का भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं उसी से, और आदमी काम नहीं करते हैं, और कहा तो मरेंगे यहीं। और सरकार हमारे जनता सहायता बहुत करत है, सहायता ऐसे माँ करे जही तो बहुत अच्छा बात है, सुने जही। मैं श्रेया चौरसिया कन्या विद्या धन योजना का कुल प्राप्त करने वाली एक लाभार्थी छात्रा हूँ, अतः मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझ जैसी कई छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। कई छात्राएं ऐसी होती थी धन के अभाव के कारण वे इंटर के बाद अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नहीं कर पाती थीं, परंतु आज उनका अध्ययन सुचारू रूप से हो रहा है। मेरा नाम अमरनाथ है और मैं ग्राम बघेरा का रहने वाला हूँ। मेरा चयन माई को कामधेनु योजना में हुआ। इस योजना में 5 साल ब्याज फ्री है एवं समस्त गायें खरीदने पर 1,25,000 रुपये का अनुदान। माइक्रो कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य 79 पशुओं को प्रदेश में बढ़ाना एवं दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना। आज हमने अपनी इस पड़ताल में जनपद झांसी की तहसील टहरोली को कसौटी पर खरा पाया। आज हमारा ये कार्यक्रम कसौटी पर 4 साल जनपद झांसी की तहसील टहरोली में यही समाप्त होता है। एक बार फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी एक नई जनपद में, एक नई तहसील पर। तब तक के लिए नमस्कार।